हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल होम एंटरटेनमेंट पे। आज हम अपने वीडियो में आपको बताएंगे कच्चे पपीते का हलवा बनाने के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि हम कच्चे पपीते का हलवा बनाने के बारे में हमें क्यों सूझी, तो हम आपको बता देते हैं। हम सोच रहे थे आपके बारे में कि कुछ टेस्टी और हेल्दी दोनों आपके लिए लेके आए, इसलिए हमने इस बारे में सोचा। अब बताते हैं इसके फ़ायदे। कच्चे पपीता जो होता है उसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन ए सी ई की भरपूर मात्रा पाई जाती है। ये कई बीमारियों में लड़ने में हमें सहायता करती है। अब चलिए बताते हैं कि इसे बनाना कैसे है और इसके फ़ायदे हम हलवा बनाते बनाते और भी बताएंगे कि क्या क्या फ़ायदे हैं इसके। सबसे पहले हम इसको छील लेंगे। जिस छिलनी से आलू छीलते हैं उससे भी छील सकते हैं, या फिर आप चक्कू से भी आराम आराम से छील लीजिएगा। छीलने के बाद में इसे कद्दूकस कर लीजिएगा। चलिए कद्दूकस करके आपको दिखाते हैं। इसका जो बीज होता है उसे निकाल के आप फेंक दीजिएगा। चलिए कद्दूकस कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से हमें कद्दूकस कर लेना है। जो कद्दूकस का मोटा वाला साइड होता है उसी से हमें कद्दूकस करना है। अब चलिए, अब हम लेंगे एक बड़ी चम्मच घी और उसे कढ़ाई में डालेंगे। देखिए घी पिघल रही है हमारी। जब घी पिघल जाएगी, घी हमारी पिघल चुकी है, सबसे पहले हम काजू को डालेंगे इसमें और उसके भून के निकाल लेंगे। काजू को पहले ही आप भून के निकालिएगा, उससे आपका टेस्ट अच्छा होगा आपके हलवे का। चलिए इसे भून लेते हैं, लेकिन इसे मीडियम फ्लेम पे भूनिएगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। देखिए जो हमारे काजू हैं वो गोल्डन हो चुके हैं, अब इसे हम निकाल लेंगे। काजू को निकालने के बाद में इसी घी में हम डाल देंगे पपीता जो हमने कद्दूकस किया था। सारे पपीते को इसमें डाल देंगे। पके पपीते के मुकाबले कच्चा पपीता ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करता है। अगर आप नियमित रूप से इसका सेवन करते हैं तो आपका वजन को घटाने में ये आपकी सहायता करता है। अगर आप अपने बढ़े हुए वजन से परेशान हैं तो इसका यूज़ ज़रूर करिएगा। पपीते को हम तब तक भूलेंगे जब तक कि इसमें की पूरी नमी ख़त्म नहीं हो जाती। और भी आपको बताते हैं इसके फायदे। जो पका हुआ पपीता होता है उसके मुकाबले कच्चे पपीते में ज़्यादा सक्रिय एंजाइम पाए जाते हैं, इसलिए भी ये ज़्यादा फायदेमंद है। तो आप कच्चे पपीते का सेवन ज़रूर करिएगा और नियमित रूप से करिएगा। अगर आप बढ़ते हुए वजन से परेशान हैं तो भी, और लोगों को भी बताइएगा, क्योंकि आजकल हर किसी को वजन बढ़ने की समस्या है और सब इसको समाधान भी चाहते हैं। तो ये बहुत ही देसी घरेलू नुस्खा है और प्राकृतिक भी है। आप ला के घर पे बना सकते हैं, हेल्दी है। और यदि आपके यहाँ कोई शुगर का पेशेंट है तो उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। देखिए इतने सारे हमने फायदे आपको बता दिए, तो इसलिए एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा हमारी रेसिपी को और हमारे वीडियो को लाइक भी करिएगा। इसे मीडियम फ्लेम पे हम भूनेंगे जब तक कि इसकी नमी ख़त्म नहीं हो जाती, लगातार चलाते हुए। देखिए पपीते की नमी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे एक इलायची। हम आपको बताना भूल गए थे कि हमारा जो पपीता है वो 250 ग्राम है, तो इसीलिए हम इसमें दूध भी 250 ग्राम ही ऐड करेंगे। तो चलिए दूध ऐड करते हैं। देखिए 250 ग्राम दूध हमने इसमें डाल दिया। अब इसे गैस का जो फ्लेम है उसे फुल कर देंगे। फुल करके लगातार चलाते रहेंगे ताकि नीचे से पकड़े नहीं, और इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि दूध सूख नहीं जाता पूरा जो हमने डाला है। दूध हमारा सूख चुका है, अब इसमें हम डालेंगे छोटे चम्मच से 3 चम्मच गरी का बुरादा। 3 चम्मच हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि जो हमारा पपीता है वो भी कम था। अगर ज़्यादा हो तो उस हिसाब से आप इसकी मात्रा जो है वो बढ़ा लीजिएगा। अब इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अब हमारा जो गैस का फ्लेम है वो मीडियम है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हम इसको मिक्स करने के बाद में डालेंगे शक्कर। शक्कर आप स्वादानुसार डालिएगा, जैसा आप खाते हो। हमने बड़े चम्मच से 3 चम्मच यूज़ किया है। अब इसको फिर से चलाएंगे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। जब हमने दूध डाला था उसके बाद में हमने फुल फ्लेम पे 10 मिनट तक इसे पकाया था। 10 मिनट के बाद में हमने जो फ्लेम होता है उसे मीडियम कर दिया था, उसके बाद में करी का बुरादा डाला था। अभी भी हमारा गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम है और हमने शक्कर डाला है। अब इसे अच्छे से चलाएंगे कम से कम 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे।
देखिए ये पूरी तरह से रेडी है। अब जो गैस का फ्लेम होता है उसे बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। चीनी डालने के बाद में हमने 5 मिनट तक इसे ऐसे ही चलाया था मीडियम फ्लेम पे। जो ब्लैक दिख रहा है आपको स्क्रीन पे वो इलायची दाना है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए दोस्तों रेडी है हमारा हलवा। चलिए इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। इसकी गार्निशिंग में हम यूज़ करेंगे थोड़ा सा गरी का बुरादा, काजू जो हमने घी में भून के पहले से ही रखा था। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप उसी तरीके से हलवा पकते समय काजू को डाल दीजिएगा। घी पूरी तरह से ऑप्शनल है, हमने इसलिए बताया था क्योंकि इससे टेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, पड़ जाता है। तो आप दोनों ऑप्शन है, जैसे आप चाहें डालिएगा। अब डालेंगे किशमिश। किशमिश को हमने नहीं भुना था, ऐसे ही डालेंगे। देखिए दोस्तों रेडी है हमारा हलवा। आप भी इस तरह से हलवा बनाकर ज़रूर खाइएगा और हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।